So that is why I think lockdown is not the answer. answer is vaccination answer is booster answer is yes COvid appropriate behavior <clears throat> answer is resume the activities. answer is resume your learning resume your schools now after a week's time I think once the peak uh, decline is has started. which may be within a week thing. I think you should resume your learning. So, because we 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 have 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 suffered every and and to 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 understand it that COVID is not going going anywhere, it's going to stay with with us like flu, and so we have to learn to live कोविड uh, की फर्स्ट और सेकंड वेव ने अपनी छाप छोड़ी उसी दूसरी जानब से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस के जो है लगातार आ रहे हैं और इसी सब मुद्दे नजर रखते हुए कई तरह इंतजामिया ने एक कड़ी uh, फैसले भी लिए हैं इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेजिडेंट निसारुल हसन साहब सर आपका डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है राइट थैंक यू शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए प्रोग्राम डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पे एक रहेगा जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट वेव देखें या फिर सेकंड वेव देखें कई तरह केसेस आए कई तरह लोगों की जाने गई मगर उसके बाद अगर कोविड की थर्ड वेव को अगर देखेंगे लगातार केसेस जो हैं वो आ रहे हैं आपसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जो है किस तरह की डिफरेंस है यानी कि क्या कुछ जो है तबादले नजर आए देखो जब कोई फेज इसका जो तीसरी वेव जिससे हम अभी जूं जी रहे हैं विच इज़ कंटिन्यू वो ओमिक्रॉन की वजह से ट्रिगर जी. हो गया सो देर वॉज अ नया न्यू वेरियंट लेकिन जब इसका जो लैब एनालिसिस होगी तो इट वॉज मोर म्यूटेटेड इट हाईली म्यूटेटेड वायरस ज़्यादा बनस्बत की डेल्टा सो रिसर्चर्स बिलीव की दैट मे बी इट ये ज़्यादा इन्फेक्शस हो जाएगा और मे बी आई वी डोंट नो हाउ इट विल बिहेव लेकिन ओमिक्रॉन के हवाले से ओमिक्रॉन के हवाले से हमने जो देखा कि दो ये बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शस की इसने इन इन अबाउट फ्यू वीक्स टाइम इट हैज़ एनगल्फ द होल वर्ल्ड बट इट वॉज़ अ माइल्ड वेरियंट कि ये ज़ुकाम मामूली ज़ुकाम की तरह हो जाता है लोगों में और चला जाता है खुद ही सो इन टर्म्स ऑफ सीवेरिटी इट डिड नाट कॉज हॉस्पिटलाइजेशन इट डि नाट कॉज आई मीन डेथस ओमिक्रॉन इज़ अ वेरियंट जो बड़ा माइल्ड है और ये जो थर्ड वेव है इसी लिए मैंने भी और दुनिया भर के बाकी एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है ओमिक्रॉन शायद परवरदिगार की तरफ से एक नेचुरल वैक्सीन लेके आ गया तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ड ऑन द पास्ट एंड व्हाट वी आर सीइंग ऑन ग्राम अगर आप 1918 जो स्पैनिश फ्लू हो गया जो एच वन एन वन फ्लू वायरस की हो गया आई थिंक कोविड 19 इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट पैंडमिक उन दिनों भी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज गोइंग ऑन सो दिस एच वन एन वन अरेप्टड सो फर्स्ट वेव केम एंड देर वॉज अ लॉकडाउन सो तीन मंथ्स के बाद जब लॉकडाउन को ईज आउट किया गया अनदर वेव केम एंड दैट किल्ड 50 मिलियन पीपल एंड एनगल्फ वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और उन दिनों ईज ऑफ ट्रावल वाज़ मिनिस्कुल, बट देर वाज़ सम मोमेंट ऑफ द ट्रूप्स क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन वाज़ गोइंग ऑन बट जिस तरह आज जो ट्रैवल है ईज की इन ए जिफी यू कैन रीच टू प्लेस बिकॉज एयर ट्रावल है सो पीपल मूव अराउंड if we now go retrospectively and uh, see that pandemic, it killed people. then it remained for some few months and after that a third wave came, which was a mild wave, and that ended that spanish flu pandemic. that means there was a first wave, there was a second wave, and there was a third wave which ended the pandemic. But it ended the pandemic only but the virus remained jo aaj kal bhi hum dekhte hain, flu virus every winter it comes and in fact there was another pandemic also 2009 now mein, swine flu pandemic that was again h1n1 16 uske baad, eh, the pandemic ended but only that virus remained in the population and every year now uh, in the winter we see outbreaks of flu and सो द वायरस वी आर लिविंग विद दैट वायरस सिमिलरली इन कोविड नाइन्टीन के हवाले से मुझे लगता है ये जो वेव ओमक्रॉन की आ गई इट्स हैपनिंग फॉर द गुड ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ अ नेचुरल वैक्सीन Nobody will be spared. Even the fully vaccinated people you are seeing, they get infected. But I think it's in the good of the population. This Omicron wave is a mild uh, variant. It will go on infecting people and there will be a widespread immunity in the population. And because of this, jo hum nahin kar jo scientists because of so much efforts to कॉल टू एंड दिस पैंडमिक वो शायद परवरदिगार ने किया है इन द फॉर्म ऑफ ए नैचुरल वैक्सीन दैट इज ओमिक्रॉन सो वी विल हैव अ वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन ऑनली कम वट मे एवरी बडी ईच एंड एवरी पर्सन हैजू गेट इफेक्टेड बाई दिस सो वी हैव टू अलाउ इट ऑल्सो सो अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो ये थर्ड वेव जल्दी जाएगी एंड दिस पैंडमिक के हवाले से भी जल्दी लेकिन प्रडिक्शन ये है कि हमने देखा महाराष्ट्र में अगर मुल्क के बाकी रियासतों में आप देखोगे देर इज ऑलरेडी अ पीक सो इट इज देर इज अ डिक्लाइन ऑल्सो लेकिन कश्मीर के हवाले से वी आर वन वीक बिहाइंड इट स्टार्टड क्योंकि जो पीक का टाइमिंग होता है वो अलग अलग जगहों पर होता है अलग अलग टाइमिंग uh, पे बिकॉज वी स्टार्ट विदर्ड वे बिहाइंड आफ्टर डेली इन महाराष्ट्र सो हमारा पीक मे बी इट विल टेक वन मोर वीक सो वी मे हैव एन एस्किलेशन of, uh, the cases. After that, there will be a, uh, a decline. And we have seen the second wave peak maybe time or decline maybe time. So it, 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 took a lot of time, a few months. They can omicron, it peaks in a jiffy and there's a decline in a jiffy. Jalli. Abi gaya or chalabi Or, hm, in about a few weeks' time, there will be an end of this wave and we may see an end to this pandemic also. Uh, डॉक्टर साहब एक बात और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया लोग जो थे कहीं ना कहीं सहमे हुए थे अब जिस तरीके से थर्ड वेव का जो असर चल रहा है जम्मू कश्मीर में केसेस के हिसाब से अगर देखें कई तरह लोग ऐसे हैं जो हमेशा कतराते हैं और बुखार और जुकाम होने के बाद जो है वो खुद ही ट्रीटमेंट अपना करते हैं ख़ुद ही यानी कि दवाइयाँ लाते हैं और खाते हैं तो उनके लिए किस तरीके से दवाइयाँ कैसे जो है ट्रीटमेंट किया जाए ओमिक्रॉन के हवाले से देखो ये एक माइल्ड सा फ्लू की तरह आता है और फ्लू की तरह चल जाता है इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह डेल्टा वेरिएंट आके फिर सीवियर डिजीज़ करता था फिर हस्पतालों में लोग आ जाते थे विथ डी इस 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 वायरस के हवाले से बहुत कम लोग हमने देखे हैं दुनिया भर में जो हस्पताों में एडमिट हो जाते हैं ओमिक्रॉन के हवाले से सो इसमें जो ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बोला है कि वायरस जो आता है ख़ुद ही अगर माइल्ड सा होगा ये खुद ही जुकाम की तरह आता है यू डोंट नीड एनी देर इज़ नो स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट अभी कोविड नाइन्टीन के हवाले से ये वायरस है और आम तौर पे जो है वायरस को एंटीवायरस होना चाहिए लेकिन काफ़ी सारे एंटीवायरल ड्रग्स हमने कोविड नाइन्टीन के हवाले से जो आ भी गए रिपर्पज़ ड्रग जो ऑलरेडी थे उनको फिर टेस्ट करके देखा गया था कि शायद लैब टेस्टिंग में कि ये कोविड के खिलाफ भी असर करेगा लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटी कोविड एंटी वायरल ड्रग नहीं आ गया हालांकि हाल ही में जो मोनि प्रावीर हमारे पास आ गया लेकिन उसमें भी इशूज़ थे साइड इफेक्ट्स के वो भी किया गया आइवर मैक्टिन था पहले वो भी एजिथ्रोमाइसिन देखा गया था काफ़ी और भी चीज़ें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थे वगैरह लेकिन एज ऑफ नाव की ये सारी चीज़ें देखा गया दे डो नॉट हैव एन हंड्रेड परसेंट इफेक्टिवनेस और देयर इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर सो इसीलिए जो भी ये ओमिक्रॉन के हवाले से आपकी मामूली से अगर किसी को सोर थ्रोट होगा एंटी हिस्टमनिक देखे या फीवर होगा पैरास्टमॉल देखे वो क्योंकि ये ज़्यादातर जो है अपर होट थ्रोट तक ही रहता है नीचे नहीं आता है इसलिए काफ़ी सारे लोगों को सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है दैट मीनस अगर किसी को बुखार है yeah. पैरेस्टमाल की अगर किसी को गले में खराश है वगैरह मे बी एन एंटी सिस्टमिक तो उससे ज़्यादा इसको इस yeah. इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट ये खुद ही ठीक हो जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है इफ़ यू आर हेल्दी ये ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा खुद ही से यू मे नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव की बात करें तो एज का तकाजा लगाया जा रहा था यानी कि एज बार जो है उन पे ज़्यादा असर करता है ये भी बताया गया था बूढ़ों पे जो है ज़्यादा असर करता है जो एजड होते हैं जो थर्ड वेव है इसका असर जो है हर एक पे होता है या फिर इसमें भी जो है एज के बाद देखो आपने जो सवाल पूछा इनको हम इसको हम डिवाइड करेंगे दो चीज़ों में क्या सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे ओमिक्रॉन से यस सारे लोग चाहे बुजुर्ग होंगे वैक्सीनेटेड होंगे अनवैक्सीनेटेड होंगे ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड क्या ये ओमिक्रॉन सीवियर डिजीज़ लेके आएगा उनमें जो जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशनस है जो जिन जो जो हमने देखा डेल्टा वेव में कि दोज हु हैड हुइंग मेडिकल कंडीशनस उनको ये जब वायरस गया डेल्टा वायरस तो उनमें सीवियर डिजीज़ हो गया लेकिन ओमिक्रॉन के हवाले से हमने हस्पतालों में भी देखा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अस्पतालों में भी देखा कि जो लोग अदर कंडीशंस के लिए आ गए मतलब जिनको लंग डिजीज थी वगैरह क्योंकि ये इतना हवा में है अब कि सारों को ये इन्फेक्ट करता है सो इट वाज़ अ कोइंसिडेंस अगर किसी किसी की मौत भी हो गई उसमें कोविड भी आ गया लेकिन बेसिकली उसकी डेथ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन से होगी जिस तरह होता है यू के नॉट स्टॉप डेथ सपोज समी हैज अंडरलाइंग कैंसर ही ही विल डाई देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो वो मर जाता है उस जब वो हस्पताल में आता है उसको कोविड भी लग जाता है क्योंकि इतना इन्फेक्शस है ये किसी ये किसी को स्पेयर नहीं सो दिस वायरस में भी कोई इंसिडेंस अब क्या होता है हम उसको टेस्ट करते हैं उसको कोविड उसकी डेथ होती है वही रिलेटेड टू कोविड आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट सो दैट मे बी फॉर काउंटिंग पर्पजेज इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये जो ओमिक्रॉन के हवाले से बिल्कुल माइल्ड सा है चाहे चाहे उन हालांकि जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिनको होगा कोई भी वायरस उनमें सीवियर कर सकता है अगर कोई भी इंफ्लजा वायरस भी आएगा उनमें या कोई भी रेस्परेटरी वायरस उनमें आएगा मे बी इट विल कॉज सीवियर डिजीज़ इन देम लेकिन जो मैंने देखा हस्पतालों में कि लोग मर रहे हैं अपने अंडरलाइंग कंडीशन से लेकिन हस्पताल में डॉक्टरों की वजह से उनको मिलता है पैरामेडिकल की वजह से उनको मिलता है इन्फेक्ट तो उनको फिर जब टेस्ट करते हैं नेचुरली एवरी इज़ इन्फेक्टेड नाउ इन ओमिक्रॉन वे नोबडी स्पीड सो वो भी पॉजिटिव आते हैं वी रिलेट दोज डेथ टू ओमिक्रॉन एक्चुअली दे डाई बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन सो हैविंग सेट दैट माई पॉइंट इज के दैट ओमिक्रॉन इज अ वेरी माइल्ड थिंग वी डोंट नीड टू वरी इनफैक्ट मैंने बार बार ये कहा है कि केस काउंटिंग के हवाले से लोगों को पैनिक मत करो आप अगर आप आज बोलोगे हजार दो हजार दस हजार ये तो बढ़ेंगे इन दिस वीक टिल वी हैव अ पीक आई थिंक दैट इज़ इन अनदर वीक टाइम वी मे हैव मोर केसेस इफ यू जस्ट गो ऑन टेस्टिंग पीपल और इवन सम पीपल मे कम फॉल्स नेगेटिव नगेटिव आई थिंक होल ऑफ द पॉपुलेशन इज इज इन्फेक्टेड एवरीबडी इज़ इन्फेक्टेड सो दैट इज़ वाई आई हैव मैंने बार बार ये कहा है बाकी चैनल से भी कि केस काउंटिंग पे आप अब फोकस मत करो यू शिफ्ट योर फोकस टूवर्ड्स समथिंग एल्स दैट इज़ हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोग आपको ओमिक्रॉन के हवाले से अस्पतालों में है कितने लोग सीवियर हैं कितने लोग वेंटिलेटर्स पे उसी को लेके आप बेसिकली फोकस करो वैक्सीनेशन पे फोकस करो बूस्टर पे फोकस करो केस काउंटिंग पे फोकस मत करो इससे क्या हो जाएगा क्योंकि केस काउंट्स तो बढ़ेंगे Because this has to infect everybody to get a wider immunity to see to it that the virus hai ye, is third wave will end and pandemic will end. Case counting say, agar you case counting karoge, it will generate a panic among people. You mm do -hmm. surveillance, health mm -hmm. authorities should go for a surveillance, but they should keep this case counting to themselves, not expose it and focus on other things which are more important now. एक और सवाल रहेगा काफ़ी तरह आजकल ऐसे पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव तो हैं मगर अपने घरों में रहते तो उनके लिए क्या एहतियात देखो उनके लिए ठीक है आइसोलेशन करनी है कुछ देर अब तो आइसोलेशन का जो पीरियड है वो भी कम हो गया फाइव डेज तो उसके बाद बाकी मुल्कों में यहाँ तो वन वीक है उसके बाद यू डोंट नीड टू रीटेस्ट ये आम जुकाम की तरह आपको इसको लेना है अब आइसोलेट करना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है मास्किंग लगानी है लेकिन जिस तरीके से आपको यू डोंट हैव टू वरी कि बस ये अब मुझे कोविड हो गया तो ये आपकी भलाई के लिए है ये एक वैक्सीन की तरह आप ए, आपके लिए असर करेगा और जो होम आइसोलेशन करते हैं आई थिंक फाइव डेज़ टू वन वीक इज़ अनफ उसके बाद दे डोंट नीड टू गो फॉर अ रिपीट टेस्टिंग दे शुड कम आउट बाकी जिस तरह बाकी ज़ुकाम का ये जो देसी इलाज भी करते हैं कहवा वगैरह वो पीते हैं गर्म पानी यस, साइंटिफिकली आई डोंट नो देर इज़ नो एविडेंस विज कहवा और सम हॉट वाटर क्योंकि ये वायरल चीज़ है ये इफ़ यू हैव एन इंटैक्ट इम्यून सिस्टम ये खुद ही जाएगा यह सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर बुखार है घर में भी जो आइसोलेटेड है उनको लेना चाहिए अगर घरे में खराश है जो मैंने आपको आउटसेट पे कहा कि मामूली है बाकी आफ्टर वन वीक यू हैव टू कम आउट एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर ए रिपीट टेस्टिंग सर अगर आज देखा जाए तो जो वैक्सीनेटेड पर्सनस थे काफ़ी तर ऐसे लोग हैं वो भी पॉजिटिव आए तो आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है ये फिर से दोहराया जाता है देखिए वैक्सीनेशन है कि इट प्रोटेक्ट्स यू फ्राम अ सीवियर डिजीज़ इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट यू फ्राम द इन्फेक्शन आपको इन्फेक्शन फिर से हो सकती है विद द सेम वायरस विद द वैरियंट ऑल्सो आपका जो ये वैक्सीन है ये आपको प्रोटेक्ट करता है गन अ सीवियर डिजीज़ बट ये जो इसकी इफेक्टिवनेस है इट वेन्स व टाइम आपने अगर छः महीने पहले वैक्सीन किया है उसके बाद उसके बाद आ, आ, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी और आप योर वनरेबल फॉर री इन्फेक्शन सो इसीलिए जो जो आइडिया है इसका बूस्टर डोज का दैट केम सो दैट आपका जो इम्यूनिटी है फिर से बूस्ट हो जाएगी आपके अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगे एंड विल बी प्रोटेक्टेड फॉर ऑल वेरिएंट्स इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन आल्सो सो so, इसकी ये वजह है कि री इन्फेक्शन की कि इम्यूनिटी जो है वो इसकी जो एंटीबॉडीज लेवल्स है विथ टाइम कम हो जाती है एंड सम वेरियंट सम वेरिएंट्स कैन इवन इवेड हमने ये देखा कि सिक्स मंथ से पहले भी लोगों को इन्फेक्शन हो गई दैट मीनस और वेरिएंट्स जो हैं दे इवेड द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन ऑल्सो सर अगर देखा जाए तो आपकी जानब से एक स्टेटमेंट आया था कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है तो किस तरीके से आप देख मैं मैं आज भी देखो जो जो पहला फेज था मैंने आपको जो इन, इन बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे पास टूल्स नहीं थी अब हमारे पास उ, उस फेज में हम आ गए हैं जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी है वायरस की वेरिएंट्स की हमारे पास इफेक्टिव टूल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन बूस्टर्स अदर टूल्स सो वी नो अबाउट इट वी के नॉट कीप पीपल फॉर एवरी टाइम फॉर लॉकडाउन एंड देन वेन साइंटिफिक एविडेंस सेस इन अदर रेस्ट पार्ट्स ऑफ़ द वर्ल्ड everything has eased down including schools including learning you cannot isolate yourself and you cannot go unscientific you have to be scientific uh, in seeing that covid is now going to stay with us you have to live with it you cannot keep uh, people under lockdown forever and that too one science says no mm. so that is why i think lockdown is not the answer answer is vaccination answer is booster answer is yes covid appropriate behavior <clears throat> answer is resume the activities mm -hmm. answer is resume your learning resume your schools now after a week's time i think once the peak uh, decline is has started which may be within a week thing i think you should resume your learning also because we have suffered every and we have to understand it that covid is not going anywhere it's going to stay with us like flu and so we have to learn to live with it सर एक आखिरी सवाल रहेगा काफ़ी तर लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं सहमे हुए हैं तो आपके द्वारा क्या मैसेज जाना चाहिए जा? देखो <coughs> मेरा ये मानना है कि दैट कोविड नाइन्टीन विद दिस ओमिक्रॉन हैज एंडेड सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एंड सो दैट इज़ वाई मुझे लगता है वी हैव टू वी हैव टू येस वी हैव टू भी कॉशियस अभी मुझे नहीं लगता है कि कोविड अप्रोप्रेट बिहेवियर वी शूड डो अवे विथ इट वी शूड कंटिन्यू विद द मास्किंग एंड डूइंग अवे विद द क्राउडिंग बट लोगों के लिए एक राहत है कि साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टेलिंग दैट ओमिक्रॉन इज द एंड गेम एंड इट इज़ वट साइंटिस्ट कुड नॉट डू इट आई थिंक नेचर हैज़ डन इट ही हैज़ गॉट अ नेचुरल वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ ओमिक्रॉन इट वज कॉइंग टू Spread, it is going to infect each and everybody, it will create wider immunity, and there will be an end of this COVID 19 pandemic. Sir, thank you, sir. थैंक यू थैंक तो नाजिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर हसन काफ़ी तरह ऐसे भी लोग हैं जो डरे हुए हैं सहमे हुए हैं उन तक जो है ये बात ज़रूरी पहुँचानी थी कि आखिरकार कोविड का हल क्या है यानी कि कोविड से हमें, हमें हमेशा लड़ना है और हमेशा जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए चलना है आप देखते रहिए द टाइप जावेद खान के साथ